ते आज नासरी का हाल देखो रो कर चले गए कोई बच्चा नहीं आया उसके पास आज वो रो रहा है लेकिन कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए उसने जान दी ईस्टर मना के भी चले गए लेकिन कोई नहीं है जो उसके चर्च में आए क्या मुझ पर तरस भी नहीं खाती ये मैं नहीं कह रही वो नासरी कह रहा है खुदा उनका पाक रू मुझसे ये कह रहा है कि ये बोल मेरे बच्चे फिर भी मेरे पास नहीं आए मैंने जान दे दी और क्या कर सकता था मैं जो मैंने नहीं किया तुम रोते हो गीत सुनकर लेकिन तौबा नहीं करते ये क्यों है तुम्हारे दिल इतने सख्त हैं कि मैं अंदर नहीं आ सकता तुम खुश होते हो मुझसे दूर रहकर जान छुड़ाना चाहते हो कब इबादत खत्म हो और हम जाएं और जाकर गुनाह करें तुम कहते हो अब मैं हर वक्त रोता ही रहूं? बस इबादत में रो लिया है उसका गम कर लिया है कि उसने हमारे लिए जान दी बाद में हमने दूसरे काम भी तो करने हैं हम क्यों रोते रहे सारा दिन एक ही ख्याल में रहें सिर्फ नासरी के ख्याल में लेकिन ऐसा नहीं है खुदा का रू आपसे बात कर रहा है लेकिन नासरी ये कह रहा है मेरी खुदावंद का पाक रू बोल रहा है मेरे दुख को तो तुम महसूस ही नहीं करते क्या तुम रोते हो तुम नहीं रोते तुम सिर्फ उन अल्फाज को सुनकर रोते हो रू को महसूस नहीं करते रूह यह है उन अल्फाज की कि तक नासरी द हाल की होया है तेरे पीछे ते तू तोबा नहीं कीती इन अल्फाज की रूह यह है यानी इसका मतलब यह है तू तोबा कर ताकि हमेशा की जिंदगी पाए मुझे हमेशा का गम ना दो यह मेरा नासरी फरमाता है क्योंकि कोई शख्स जब खो जाता है हमेशा की मौत के लिए वो मेरा अबदी गम है क्योंकि कोई भी शख्स वापस नहीं आएगा अगर वो खो जाता है सो नासरी का हाल आपने देखा हुआ है रोया में भी और बहुत से तरीकों से गीतों के जरिए भी इसलिए तौबा करें ताकि खुदावंद आपको अपने पास रखे और आप खुश हों